गैंगस्टर काला जठेड़ी के संग लेडी डॉन ने लिए 7 फेरे, खुद स्कॉर्पियो चलाकर मंडप पहुंची दुल्हन। काला जठेड़ी को शादी करने के लिए दिल्ली की एक अदालत ने 6 घंटे की पैरोल दी थी। इसी समय के बीच उसने शादी की सारी रस्में निभाई। इस दौरान पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजाम रहे। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने मंगलवार को लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज के साथ 7 फेरे लिए। ये शादी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 स्थित संतोष गार्डन में हुई। इस दौरान सुरक्षा में भारी पुलिस बल तैनात रहा। जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत से एक SUV कार में विवाह स्थल पर पहुंचा। वहीं उनकी दुल्हन अनुराधा चौधरी खुद ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो चलाकर शादी के मंडप में पहुंची। इस दौरान गाड़ी में उनका परिवार भी साथ था। इस शादी के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। 250 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर की आपराधिक छवि और उसके पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एक योजना बनाई थी। एक समय वांछित अपराधी और 7 लाख रुपए का इनामी रहा काला जठेड़ी को शादी करने के लिए दिल्ली की एक अदालत ने 6 घंटे की पैरोल दी थी। इस समय के बीच ही उसे शादी की सारी रस्में निभाने की इजाजत मिली थी। जठेड़ी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। शादी के बाद वो फिर से जेल में पहुंच जाएगा। गैंगस्टर के शादी के वकील ने 51,000 रुपए में बारात का घर बुक किया था। मेहमानों की बार कोड से हुई एंट्री। सुरक्षा के लिहाज से इस शादी में आए मेहमानों की बार कोड के जरिए एंट्री कराई गई थी। विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए मेहमानों को जांच के बाद ही अंदर घुसने दिया गया। इस शादी समारोह में 150 मेहमान शरीक हुए, जबकि 250 पुलिस कर्मियों और हाईटेक हथियारों से लैस स्वाट कमांडो तैनात रहे। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, बैंक्वेट हॉल के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए। विवाह के दौरान सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा CCTV कैमरा और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस कर्मियों में स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच और हरियाणा की अपराध जांच एजेंसी CIA की टीमें मौजूद रहीं। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।